यह दुनिया की सबसे बड़ी 4800 किलो की देग। इस देग को तैयार किया जाता है अजमेर शरीफ दरगाह में। आज मैं हूँ अजमेर शरीफ दरगाह में। मेरे सामने यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है। और इस देग में जो मीठे चावल तैयार किए जाते हैं प्रसाद के तौर पर, उनको बनाया जाता है 1866 किलो चावल, 1866 किलो चीनी, इसके अलावा 100 किलो से ज़्यादा ड्राई फ्रूट, घी या रिफाइंड वगैरह भी इसमें मिक्स किया जाता है। और इसके अलावा और भी दूसरी चीज़ें इसमें मिक्स की जाती हैं। 300 केजी की लकड़ी इसको तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और ये लगभग 8 घंटे में तैयार होती है। ये मीठे चावल तैयार होने के बाद फिर जो भी यहाँ पर लोग आते हैं तो उनको प्रसाद के तौर पर इसको दिया जाता है, न्याज के तौर पर इसको बांटा जाता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं दुनिया की इस सबसे बड़ी कढ़ाई के बारे में, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी देग के बारे में, इसमें खाना कैसे बनता है पूरी कंप्लीट जानकारी चाहते हैं, इसके अलावा इस देग को किसने दिया इसके बारे में पूरी कहानी सुनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखना होगा। खाना बनने से पहले देग की कंडीशन कुछ इस तरीके की होती है। देग के आसपास काफ़ी जो भी जारीन वगैरह, जो भी न्याज मांगने वाले आते हैं, जो अपनी मुराद पूरी कराने के लिए आते हैं, तो वो लोग यहाँ पर पैसे डालते हैं, या फिर जिसकी मुराद पूरी हो जाती है वो भी पैसे डालते हैं, रुपए, या फिर इसके अलावा अनाज, चावल, दाल वगैरह लोग डालते रहते हैं। जब ये देग पकने के लायक तैयार हो जाती है, इसमें काफ़ी सारे पैसे इकट्ठा हो जाते हैं, उसके बाद में पैसों को और जो भी दाल चावल वगैरह लोग डालते हैं तो उनको निकाल लिया जाता है। इसके अलावा इसमें सोने वगैरह की चीज़ें होती हैं, और इसके अलावा दूसरी कोई भी जो कीमती चीज़ होती है लोग डालते हैं, उन सभी को निकालने के बाद इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया जाता है। और साफ़ करने के बाद फिर बारी आती है इसको पकाने की। अब इस देग के अंदर से रुपए, पैसे, सोने चांदी की चीज़ें, इसके अलावा चावल दाल वगैरह को निकाला जा रहा है। और यहाँ पर जो आप ये बड़ी सी बोरी देख रहे हैं, इसके अंदर भरा है रुपया, तो इसमें काफ़ी सारे रुपये हैं। अब इसको अच्छे तरीके से भर लिया जाएगा पूरा, और उसके बाद में इसके अंदर से चावल दाल वगैरह को निकाला जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर परात में रुपए को भरने के बाद फिर बोरी में लौटा जा रहा है। और अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये लास्ट है, यानी कि इसके अंदर से रुपए और चावल वगैरह निकाल लिया गया है। थोड़ा बहुत जो चावल रह गए उनको भी निकाला जा रहा है, और इसको अच्छे तरीके से बाद में साफ़ किया जाएगा। और साफ़ करने के बाद जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर अब ये लकड़ी इसके अंदर जलाई जाएगी, यानी कि इस दुनिया की सबसे बड़ी देग के अंदर जो खाना बनने जा रहा है उसके लिए यहाँ पर लकड़ी को इकट्ठा किया गया है। ये 350 से 300 केजी के करीब लकड़ी है। अब जब देग ज़्यादा बड़ी है तो जाहिर सी बात है चूल्हा भी बड़ा होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा आदमी अंदर बैठ करके लकड़ी को सेट कर रहा है इस बड़ी सी देग के नीचे। देग की सफाई होने के बाद अब बारी आती है इसके अंदर जाफरानी चावल, यानी कि मीठे चावल जिसको जर्दा कहते हैं, उनके बनने की। तो मीठे चावल को बनाने के लिए यहाँ पर अब पानी को छोड़ा जा रहा है। पानी थोड़ा बहुत तो आएगा नहीं, पानी भी बहुत ज़्यादा आएगा, तो इसके लिए डायरेक्टली बड़े पाइप से पानी से इस देग को भरा जा रहा है। जितने पानी की ज़रूरत है उस हिसाब से इसमें इस पाइप के जरिए पानी को भर लिया जाएगा। और उसके बाद बारी आती है इस देग को पकाने से पहले फूलों से सजाने की। तो यहाँ पर गुलाब के फूल, गेंदे के फूलों की एक माला ली गई है, और इस माला से इस देग को सजाया जा रहा है। इस देग के चारों तरफ इस माला को लगाया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा इस देग को बनने से पहले चंदन का लेप भी लगाया जाता है। जगह जगह आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से चंदन का लेप को लगाया जा रहा है। इस बड़ी सी देग में खाना तैयार करने के लिए पानी तो भरा ही जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये साथ में हल्दी भी डाली जा रही है पानी भरने के साथ साथ। हल्दी के अलावा इसमें मैदा भी डाली जाएगी। हल्दी और मैदा मीठे चावल में क्यों डाली जा रही है, इसका फ़ायदा यह होता है कि इसमें, ये काफ़ी बड़ी देग है तो इसमें ढक्कन तो लगा नहीं सकते, अगर ढक्कन लगाते भी हैं तो ढक्कन को हटाने में, लगाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए पहले से ही इस, जब से ये देग तैयार हुई है तब से ही हल्दी और मैदा का, जो मैदा है इसमें डाली जाती है। इसका फ़ायदा यह होता है कि ये हल्दी और ये जो मैदा डाली जाती है इसका एक ढक्कन की तरह काम करता है, एक ऊपर से एक परत सी जम जाती है और उसके नीचे जो भी मटेरियल होता है चावल वगैरह वो पकता रहता है, खाना पकता रहता है। और जब ये फट जाता है, जो ये ऊपर जो परत जमती है, जब ये फट जाती है उसके बाद में पता ये चलता है कि खाना तैयार हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अब मैदा भी डाली जा रही है, जितनी हल्दी डाली थी उतनी ही मैदा डाली है, यानी कि 5 किलो हल्दी और 5 किलो ही मैदा को डाला जा रहा है।
अब इस बड़ी से देख के नीचे आग जलाने के लिए, यानी कि इस देख के चूल्हे में आग को जलाने के लिए यहाँ पर इस अखबार में आग को लगाई जा रही है। यहाँ पर सामने आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा का पूरा आदमी इस देख के नीचे बैठा है, यानी कि चूल्हे के नीचे बैठा है, चूल्हे के अंदर बैठा है। और यहाँ पर सबसे पहले इस अखबार में आग को लगाया जा रहा है। आग को लगाने के बाद इस लड़के के हाथ में इस जलते हुए अखबार को दे दिया जाएगा और ये लड़का आगे जो लकड़ियाँ रखी हुई हैं उनके ऊपर रख देगा। और ऊपर रखने के बाद आप लोग देख सकते हैं कितनी तेज़ी से आग जलना शुरू हो चुकी है, काफ़ी तेज़ लपटों के साथ आग स्टार्ट हो चुकी है। और अब ये लड़का भी तेज़ी से बाहर आ चुका है, अब अच्छे तरीके से आग लग चुकी है, यानी कि चूल्हा जल चुका है। अब हम आपको दिखाते हैं इस देख की कितनी ऊंचाई है। अब ये देख बड़ी है तो जाहिर सी बात है इस पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों की ज़रूरत पड़ती है। इसमें 12 सीढ़ियाँ हैं, आप लोग देख सकते हैं 12 सीढ़ियाँ हैं और लगभग ये 12 फीट ऊंची है। इस देख के अंदर हल्दी, मैदा और पानी को डाले हुए काफ़ी देर हो चुकी है। अब आप लोग देख सकते हैं इसमें हल्का हल्का खौल भी आना शुरू हो चुका है। अब सही समय है इसमें दूसरी चीज़ें डालने का, जैसे चावल, चीनी या फिर इसके अलावा जो भी दूसरी चीज़ें डालते हैं ये लोग, जैसे घी, रिफाइंड वगैरह, उसको डाला जाएगा एक ही साथ में। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस देख के साइड में काफ़ी सारे चावल के कट्टे और चीनी के कट्टे रखे हुए हैं। और यहाँ पर सभी को हटा दिया गया है क्योंकि यहाँ पर हादसे का डर रहता है, तो इसलिए सारे लोगों को हटा दिया गया है। और अब इसके अंदर चावल और चीनी को डाला जा रहा है। चारों तरफ चावल और चीनी के ये बड़े बड़े कट्टे रखे हुए हैं। चावल और चीनी के कट्टों को डायरेक्टली डाला जा रहा है, तो यहाँ पर किलो में नहीं बल्कि कुंटलों के हिसाब से चावल और चीनी को डाला जा रहा है। और साथ में आप लोग देख सकते हैं चार आदमी इसमें जो एक चम्मच है बड़ा सा उसको चला रहे हैं, दो आदमी खींच रहे हैं रस्सी के सहारे और दो आदमी दूसरे साइड से इस बड़े से चम्मच को पकड़ने के बाद इसको चलाने साथ मतलब मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारी जो भी बोरियाँ आप देख रहे हैं इनको डाल लिया जाएगा, जो भी इसके अंदर चीनी या फिर चावल हैं। और इसके बाद जब इसमें एक खोल आ जाएगा तो उसके बाद में इसको फिर से चलाया जाएगा, यानी कि इसको बार बार ये लोग चलाते रहेंगे। इस देख में चावल, चीनी और हल्दी और मैदा को डालने के बाद एक खोल आ चुका है। खोल आने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस देख को मिक्स किया जा रहा है, यानी कि इस देख के अंदर जो भी मटेरियल है उसको मिक्स किया जा रहा है। और मिक्स करने के लिए जो चम्मच है वो छोटा वोटा तो है नहीं, काफ़ी बड़ा चम्मच है, 12 फीट के करीब है। और देख के अंदर मटेरियल भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इस मटेरियल को घुमाने के लिए इस चम्मच की सहायता से, तो इसको घुमाने के लिए यहाँ पर एक आदमी की तो ज़रूरत है नहीं बल्कि यहाँ पर चार चार आदमी मिल करके इसको मिक्स कर रहे हैं। दो आदमी यहाँ पर लगे हुए हैं और दो आदमी उधर की साइड में लगे हुए थे जो कि इसको चला रहे थे, मिक्स कर रहे थे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसको मिक्स कर लिया गया है, थोड़ी देर के बाद में इसको फिर से मिक्स किया जाएगा। अब इस देख के बड़े से चम्मच को फिर से इस देख के अंदर घुमाया जा रहा है, पहले एक साइड से दूसरी साइड खींचा जा रहा था लेकिन अब किनारों की साइड से इस चम्मच को घुमाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इस देख की एक खासियत ये है कि नीचे से तो ये काफ़ी गर्म रहती है लेकिन ऊपर की जो साइड होती है वो बिल्कुल ठंडी रहती है। यहाँ पर मैं आपको छू करके दिखा रहा हूँ, ये देख यहाँ से बिल्कुल ठंडी है। इस देख के अंदर जो ये जाफरानी चावल बन रहा है, यानी कि ये जो जर्दा बन रहा है, इसको बनाते बनाते लगभग 5 से 6 घंटे का समय हो चुका है। 5 से 6 घंटे के बाद अब ये जाफरानी चावल यानी कि जर्दा बन चुका है। अब आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर जो ये चम्मच है वो कितना बड़ा है। ये चम्मच है लगभग 12 फीट का, एक साइड से एक आदमी ने पकड़ा है और दूसरी साइड से दो आदमी पकड़े हुए हैं। इस चम्मच को अब बाहर निकाल लिया जाएगा क्योंकि खाना तैयार हो चुका है, खाना बन चुका है। इस खाने को तैयार करने के लिए इसके अंदर काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट डाले गए थे और अब इस को फिर से ड्राई फ्रूट से सजाया जा रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ताल मखाने से इस देख को सजाया जा रहा है, ऊपर से ताल मखाने डाले जा रहे हैं। जब ये ठंडी हल्की होने लगेगी तो लगभग 1 घंटे के बाद इसमें दूसरे लोग आएंगे, पकाने वाले अलग होते हैं और निकालने वाले अलग होते हैं, तो जो निकालेंगे वो अलग से आएंगे 1 घंटे के बाद। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये देख बिल्कुल बन करके तैयार हो चुकी है, तो अब इसको निकाला जाएगा। निकालने के लिए भिस्ती लोग आते हैं, भिस्ती लोग इसको निकाल करके जो सामने आप ड्रम देख रहे हैं उन ड्रम में इसको भरेंगे और भरने के बाद फिर इसको सुबह 5 से 6 बजे के करीब जो भी ज़रूरतमंद हैं, जो भी यहाँ पर आने वाले हैं, जो हाजिरी लगाते हैं, उनको बांटा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जब कम लोग पड़ जा रहते हैं तो जो भी ये चावल होते हैं, जो भी ये जर्दा होता है, उसके बाद में इस जर्दे को दूसरे गांव में भी जो आसपास गांव हैं
तो वहाँ पर भी गरीब लोगों को या जो भी खाना चाहते हैं उन लोगों को ये भेज दिया जाता है। अब दूसरी पार्टी आ चुकी है, यानी कि खाना निकालने वाली पार्टी आ चुकी है, यानी कि भिस्ती आ चुके हैं। भिस्ती इस खाने को निकालेंगे। तो खाना निकालने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सीढ़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है, और सीढ़ी लगाने के बाद पूरा का पूरा आदमी इस देख के अंदर चला जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर बाल्टियों से इस देख के खाने को निकाला जा रहा है, और जो ये देख का खाना निकाल रहे हैं, और जो ये बाल्टी आप लोग देख सकते हैं, बाल्टी एक छोटा सा चम्मच लग रही है, क्योंकि एक देख जो ये है वो काफ़ी बड़ी है। काफ़ी बड़ी देख होने की वजह से जो ये बाल्टी एक छोटा सा चम्मच आप लोगों को नज़र आ रही होगी। और यहाँ पर ये बाल्टी की बाल्टी भर भर के निकाल रहे हैं, और निकालने के बाद यहाँ पर आप लोग दूसरी साइड में देख सकते हैं काफ़ी सारे जो बड़े बड़े ये ड्रम रखे हुए हैं, इन ड्रमों में ये खाना भरा जा रहा है। तो हमने भी थोड़ा सा प्रसाद यानी कि जर्दा ले रखा है यहाँ पर सकलेन भाई के पास। यहाँ पर पॉलीथीन में मिला हुआ है थोड़ा जर्दा, अभी इसको सही तरीके से बांटा नहीं गया, सुबह में बांटते इसको प्याली वगैरह में, लेकिन हमने यहाँ पर पॉलीथीन में ले रखा है। यहाँ पर सकलेन भाई टेस्ट करके बता रहे हैं, इससे पहले मैंने भी खाया हुआ है, काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो उस लंगर को यानी कि इस जो भी ये जर्दा है इसको ज़रूर चखें, ज़रूर खाएं। अब हम आपको बताते हैं यहाँ का कुछ थोड़ा सा इतिहास, यहाँ के जो खादिम हैं उनके ज़रिए। इसके अलावा हम आपको यहाँ पर कुछ मतलब दरगाह की भी सैर कराते हैं, दरगाह भी दिखाते हैं आपको किस तरीके से यहाँ पर दरगाह के अंदर जाया जाता है। वैसे तो रात का समय है, तो रात में दरगाह बंद हो चुकी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर दरगाह की साइड में जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारी, यहाँ पर अभी भी रात का समय है, तो रात के समय काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो यहाँ पर काफ़ी सारी भीड़। आगे चलते हैं, आगे जाने के बाद दूसरी साइड से गेट आएगा दरगाह का, लेकिन अभी टाइम ज़्यादा हो चुका है, गेट बंद हो चुका है, तो इसलिए आपको गेट बंद हुआ नज़र आएगा। अंदर तक हम आपको नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन आपको फिर भी बाहर की साइड से आपको दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये दूसरा बड़ा गेट आ गया मेन दरगाह का, और सामने यहाँ पर ये चांदी वाला गेट देख रहे हैं। चांदी के गेट को पार करने के बाद ही ख्वाजा गरीब नवाज की जो दरगाह का परिसर है, जो दरगाह है वहाँ तक पहुँचा जाता है। तो अब हम आपको यहाँ के जो खादिम हैं उनसे मिलवाते हैं, उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। ये जो आप देख देख रहे हैं, ये बादशाह अकबर ने गरीब नवाज के दरबार में जब वो आया था पैदल आगरे से चल के, तो उसने यहाँ आने के बाद में ये देख बनवाई थी। तब उसको बेटा पैदा हुआ था, और बनवाने के बाद में इसको पकवाया भी था। इसके अंदर में एक टाइम के अंदर 120 मन टोटल मटेरियल बनता है, जिसमें चावल, घी, शक्कर, ड्राई फ्रूट्स वगैरह रहता है। और सामने उस तरफ आप देखेंगे वो छोटी देख है, वो बादशाह जहांगीर की बनाई हुई है, बादशाह अकबर के लड़के। जब वो आया बड़े होकर के, तो उसने अपने बाप की देखा देख में उसने भी अपनी तरफ से ही छोटी देख बनाई। उस देख को बनाने से करीब 1 लाख रुपया खर्चा आ जाता है, आज महंगाई को देख करते हुए इसको बनाने में 2 लाख रुपया खर्चा होता है बड़ी देख। दरबार गरीब नवाज से सैयद शफात हुसैन।